अब आपको मिलवाते हैं उन बुजुर्गों से जिन्होंने अपनी पढ़ाई की सेकेंड इनिंग की शुरुआत की। इसमें कुछ ज्योतिष सीख रहे हैं तो कहीं बुजुर्ग विदेशी भाषा पर अपनी पकड़ बनाने की फिराक में हैं। फिर से पढ़ाई शुरू करने वाले ये ज्यादातर वो बुजुर्ग हैं जो कुछ नया सीखना चाहते हैं या फिर पहले किसी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। इनमें महिलाओं की भी काफी अच्छी संख्या है। पिंडों का स्वतः स्थान परिवर्तन नहीं होता है, वो नक्षत्र संधान परिवर्तन होता है। अक्सर कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। जिंदगी की पाठशाला में हमेशा कुछ नया सीखने की ललक बनी रहनी चाहिए। ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद फिर से ज्ञान की अलख जगा रहे हैं। इन्हीं में से एक है दिल्ली के पास गाजियाबाद के रहने वाले बद्री प्रसाद शर्मा। इनकी उम्र बेशक 82 साल हो लेकिन सीखने और जानने की ललक बच्चों जैसी है। वो अभी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में एमए ज्योतिष के छात्र हैं। इसलिए मैं भगवान का भजन करता हूँ और धार्मिक चीजें हैं। अब ज्योतिष का जैसे अध्ययन कर रहा हूँ और दे रहा हूँ एग्जाम, वैसे ही कथा भागवत वगैरह ये सब करता हूँ मैं। पंचांग देखना बताना ज्योतिष का काम है, ये सब कर रहा हूँ मैं। बद्री प्रसाद शर्मा सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं, LLB और नेचुरोपैथी की पढ़ाई भी कर चुके हैं। मैं विद्यमान पिंडों में, और ये नया कोर्स निकला है, ये पहले नहीं था तो फर्स्ट टाइम निकला है, तो इस वजह से चूंकि मैं ज्योतिष का काम भी करता हूँ तो, और मेरी भी इच्छा भी थी कि हो गया अब 1-2 साल बाद मैं बेटे के पास जाऊँगा कनाडा, तो बाहर जाऊँ तो मैं थोड़ा सा पारंगत होकर के जाऊँ, इस वजह से मैंने MA ज्योतिष का। वो बताते हैं कि उन्होंने पढ़ाई को हमेशा अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाए रखा और इसी उत्साह को देख बद्री प्रसाद के साथी भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। इस उम्र में भी ये जो है ना, एक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत ही अपना कड़ी मेहनत से उसको समझना और रीड करना चाहते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है जो इसका ज्ञान प्राप्त करना, इस उम्र में आकर के भी ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। पढ़ाई की सेकेंड इनिंग शुरू करने वाले 82 साल के बद्री प्रसाद शर्मा अकेले नहीं हैं, बल्कि उन्हीं की तरह बहुत सारे बुजुर्ग इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। इग्नू की नोएडा ब्रांच में सिर्फ जनवरी सेशन में 1400 से ज्यादा लोगों ने लंबे अंतराल के बाद दोबारा पढ़ाई शुरू की है। ब्रेक के बाद पढ़ाई शुरू करने वालों में महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या है। लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर कॉन्वोकेशन 93 ईयर्स ओल्ड उन्होंने डिग्री लिया था, नोएडा रीजनल सेंटर से लिया था, उन्होंने मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया था और उनको 93 ईयर्स ओल्ड हैं। ज्योतिष, कला और विज्ञान के अलावा विदेशी भाषा सीखने वाले बुजुर्गों की संख्या भी अच्छी खासी है जो नई पीढ़ी के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। ऐसे बुजुर्गों की कहानी उन तमाम युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो अपने काम में व्यस्त हो गए हैं, अपनी नौकरी में व्यस्त हो गए हैं और आगे की पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते, खुद को और ज्यादा स्किल्ड बनाने के बारे में नहीं सोचते। इग्नू ऐसे युवाओं को मौका देती है कि अपनी नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी करें ताकि अपने आने वाले कल को और बेहतर वो इन बुजुर्गों की तरह बना सकें। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।